हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, रिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1:3/4 आवर्स एवरी डे। रिपिका एक बुक पढ़ रही है और डेली यानी एवरी डे वो 1:3/4 आवर देती है पढ़ाई के लिए, उस बुक को पढ़ने के लिए। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, और 6 दिन में दीपिका वो बुक पूरी पढ़ देती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। अब हमें फाइनली ये बताना है स्टूडेंट्स कि उस बुक को पढ़ने के लिए रिपिका ने टोटल कितने आवर रीडिंग की है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाए। मान लीजिए कि आप एक दिन में 2 आवर यानी 2 घंटे का टाइम देते हैं बुक को रीड करने के लिए, और 6 दिन में 6 डेज में आप बुक को पूरा खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से रीड कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने टोटल कितने आवर दिए बुक को पूरी तरह से रीड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? एक दिन में आप 2 आवर दे रहे हैं, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने कितने दिनों में बुक खत्म करी? 6 डेज में। तो अगर आप 2 × 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 12 आवर्स, यानी कि 6 दिनों में टोटल आपने कितना टाइम दिया? 12 आवर दिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक दिन में जो आप टाइम दे रहे हैं रीडिंग के लिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिनों तक आपने ये काम किया है, यानी जितने दिनों तक आपने ये रीडिंग की है। तो अगर आप 6 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं रीडिंग का, और आप डेली के 2 आवर दे रहे हैं, तो आप 6 × 2 करेंगे तो आपको 12 आवर मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि दीपिका एक दिन में 1:3/4 आवर देती है, और कितने दिनों तक उसने ये काम किया? 6 डेज तक। 6 डेज में उसने पूरी बुक रीड कर डाली। तो अब हमें निकालना है कि टोटल कितने आवर उसने दिए इस बुक को रीड करने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है टाइम टेकन बाय रिपिका टू रीड अ बुक एवरी डे। हर रोज रिपिका इस बुक को रीड करने के लिए कितना समय देती है? इज इक्वल टू 1:3/4 आवर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 4 × 1 4, 4 + 3 7 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 आया, अपॉन में ये 4 है, तो अपॉन में ये 4 एज इट इज। यानी रिपिका एक दिन में कितना टाइम दे रही है? 7/4 आवर्स। इसके बाद हमने लिखा है रिपिका रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज, और 6 दिन में रिपिका पूरी बुक को रीड कर लेती है। टोटल आवर्स टेकन बाय हर टू रीड द बुक। तो इस बुक को पूरी तरह से रीड करने के लिए रिपिका को टोटल कितने आवर देने पड़े होंगे? इज इक्वल टू 6 × 7/4। देखिए कितने दिनों तक पढ़ाई की? 6 डेज तक। तो 6 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया, वो हर रोज कितनी पढ़ाई कर रही थी? 7/4 आवर्स। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/4 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये 6 और ये 4 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए ये 6 और 4, ये दोनों ही 2 से कटते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4। अब यहां न्यूमरेटर में 3 है, यहां न्यूमरेटर में 7 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 × 7 = 21 होता है। तो यहां न्यूमरेटर में 21 आ गया, यहां 6 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहां 1 होता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 करेंगे, तो आपको 2 मिलेगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर आ गया है 21/2 आवर्स। अब अगर आप चाहें तो आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। तो जब आप 21/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 10/1/2 आवर्स। यानी रिपिका को पूरी बुक को रीड करने के लिए जो टाइम लगा वो लगा 10/1/2 आवर्स। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।